लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हंगामे के बीच स्पीकर का ये कहना कि मेरा मन दुखी होता है जब कार्यवाही को मैं स्थगित करता हूं, लेकिन लगातार गतिरोध संसद में बना हुआ है। आज एक बार फिर उसी का गवाह बना है लोकसभा, हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही अब भी जारी है। 12 बजे तक के लिए ये जरूर नया है, क्योंकि इससे पहले जब अभी सदन स्थगित हुए तो 2 बजे तक के लिए हुए, आज 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तब जब सबसे सदन चलने की बात की गई, सबको बैठकर मीटिंग बैठक सारे दौर हुए, लेकिन बावजूद इसके हर बार चंद मिनट ही यहाँ पर सिर्फ श्रीमती कार्यवाही एक तरीके से चलती है, और उस कार्यवाही में भी सिर्फ हंगामा ही होता है, और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ता है। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्री वी मुरलीधरन और सदन न चलने से मन व्यथित होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। ओम बिरला स्पीकर ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना दरअसल लोकसभा स्पीकर के लिए भी आसान नहीं है। उन्होंने ये कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि आप लोग सदन चलने दें, क्योंकि कई ऐसे बिल हैं, कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लोकसभा में होनी होती हैं, जिन पर बाधा लगातार बनी हुई है। फिलहाल ये राज्यसभा की कार्यवाही है जो चल रही है, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं हो पाई। 35 बिल नेहा इस सदन में पास होने थे, इससे पहले 8 बार समय से पहले ही सत्र को खत्म करना पड़ा है हंगामे की वजह से, और इस बार भी कुछ ऐसे आसार दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही ये पूरा सत्र हंगामे के बीच चढ़ गई है। और राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें भी उस वक्त की आ रही हैं। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर ही आपत्ति बीजेपी को है, और विपक्ष को आपत्ति है अडानी के मुद्दे पर जांच क्यों नहीं हो रही है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। समाज का अपमान किया है जेपी नड्डा, कह रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी मैंने कमेंट सर, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी मैंने कमेंट सर, राहुल जी मानहानी के केस में सजा हुई है राहुल गांधी को 2 साल की, जिसमें मोदी सरनेम का अपमान का आरोप उन पर लगा, उसके बाद वो दोषी करार दिए गए, 2 साल की सजा हुई है, जमानत उनको मिल गई है। और इसी का सवाल जब उनसे सदन में जब वो पहुंच रहे थे पूछा गया, तो उस पर चुप्पी साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। लेकिन कोर्ट में भी उनसे उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा कि मैं माफी तो नहीं मांगूंगा और मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता था, मैं बोलता रहूंगा, ये बात उन्होंने कोर्ट में कही थी। लेकिन इन सब के बीच सदन की कार्यवाही आज नहीं हो पाई, 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है लोकसभा की कार्यवाही को। नेहा इस बीच जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी के लिए कहा है कि मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा मिली है, और आगे भी इसी तरीके से राहुल गांधी अगर बयान देते रहेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच मानहानि मामले पर राहुल से जब इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल वो मौजूद थे सेशन कोर्ट में, सूरत की सेशन कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, 2 साल की सजा उन्हें दी गई है, जिस पर उन्होंने जमानत ले ली है। हालांकि 1 महीने के भीतर उन्हें वक्त दिया गया है कि वो उच्च अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्ष का विजय चौक तक मार्च होना है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और इस तरीके से विपक्ष डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, लगातार जवाब वो देता रहेगा, चाहे ईडी सीबीआई किसी भी जांच एजेंसी का इस्तेमाल सरकार की ओर से किया जाए। नो, वेयर इज दैट ह्यूमर, वेयर इज दैट विट, वेयर इज दैट सरकास्म विच वी डोंट शेयर। You are directing us. You are not being briefed by them or by anyone. Sir, ताकत डायरेक साहब, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। तो सर देख,
आई ट्रांसलेट फॉर यू मैसेज फ्रॉम लोकसभा। आप कह रहे हैं हमको हंस रहे नहीं, ये नहीं कह रहे, लेकिन जब ड्रॉट होता है तो हंसने का सवाल ही नहीं आता। क्या होता है सर? सूखा पड़ा हुआ। जब सूखा पड़ता है तो हंसता कौन है? तो अब पूरा हाउस में सूखा पड़ा है और कोई बात नहीं करने का, तो ये होता है। सर सूखा पड़े या बाढ़ आए वो तो विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ चीजें होती हैं, कम से कम उसमें तो हम सूखा ना पड़ने दें, देखिए उसमें तो बारिश आए। मैं माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शायर हूं, पर इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें, इतना बोलकर चुप हो कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मैसेज फ्रॉम दी लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। सर विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट दी लोकसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन दी 23rd March 2023 पास दी अप्रोप्रिएशन बिल 2023। The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India. I lay a copy of the bill on the table.